दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर जूलर और कर्मियों से ठगी करने वाले ईरानी गैंग के 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह लोग सीबीआई अफसर बनकर लगातार वारदात को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों की पहचान भोपाल निवासी मोहम्मद अली उर्फ मोहम्मद साबिर हुसैन, मोहम्मद काबिल उर्फ इमरान हुसैन, अनवर अली, शौकत अली जाफरी और मुख्तियार हुसैन के रूप में हुई है। मोहम्मद अली गिरोह का सगना है जबकि अनवर उसका सगा भाई है। सभी आरोपी एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी से करोलबाग में हाल में हुई ठगी की 4 वारदात सुझाने का दावा किया है। इन पर कोतवाली इलाके में हत्या की कोशिश का भी एक मामला दर्ज है। इनके खिलाफ पश्चिम बंगाल और यूपी में धोखाधड़ी के केस दर्ज हैं। इनके पास से पुलिस ने सीबीआई के 5 फर्जी पहचान पत्र भी बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस स्टेशन मालवीय नगर, बड़ा हिंदू राव और वसंत कुंज नाथ ने इन बदमाशों को प्रीक्लेम्ड डिफेंडर डिक्लेयर किया हुआ है। दिनांक 27 जून को आरसी ज्वेलर्स बैंक स्ट्रीट करोल बाग के एक स्टाफ ने पीसीआर कॉल करके पुलिस स्टेशन करोल बाग को जानकारी दी थी कि 4-5 लोग खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर उसके पास पहुंचे और उसके बैग को चेकिंग करने के बहाने उसके बैग में रखी गोल्ड चेन्स जिनका वजन 300 ग्राम था को धोखे से लूटकर भाग गए हैं। पुलिस स्टेशन करोल बाग ने FIR संख्या 293/2021 अंडर सेक्शन 419 420/34 IPC के तहत मामला दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। वारदात को अंजाम स्पेशल 26 मूवी की तर्ज पर दिया गया था। आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए ACP करोल बाग विदुषी कौशिक की सुपरविजन में करोल बाग थाना SHO मनीष जोशी के नेतृत्व में तेजतर्रार SI सोहन लाल, SI विक्रम सिंह, ASI जितेंद्र, हेड कांस्टेबल दिलशाद, हेड कांस्टेबल रवि कुमार मीना, कांस्टेबल राजेश कुमार, कांस्टेबल मोनू कुमार, कांस्टेबल ललित कुमार, कांस्टेबल पंकज कुमार और कांस्टेबल शिम्बू दयाल की एक टीम बनाई गई। कंप्लेनेंट ने अननोन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, इसलिए जांच टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपराधियों की पहचान करना था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को मात्र इतना बताया था कि कल्प्रिट्स लंबे कद काठी और स्ट्रॉन्ग बॉडी के थे। टीम ने करोल मार्केट से हनुमान शॉम्बरी पर लगे लगभग सभी CCTV कैमरों के साथ पूसा रोड को 1 किलोमीटर तक स्कैन किया। CCTV कैमरों की स्कैनिंग से जांच टीम को सफलता हाथ लग गई। पुलिस को एक CCTV फुटेज मिला जिसमें 5 सस्पेक्ट दिखाई दे रहे थे। CCTV फुटेज, डॉसियर्स एग्जामिनेशन और मुखबिरों से पता चला कि स्पेशल 26 की तर्ज पर वारदात को अंजाम ईरानी गैंग ने दिया है। कड़ी मेहनत के बाद जांच टीम एक अपराधी को आइडेंटिफाई करने में सफल रही। आरोपी की पहचान मोहम्मद अली उर्फ मोहम्मद साबिर हुसैन पुत्र महबूब अली उर्फ मिसिकिन निवासी JJ कॉलोनी ईरानी मोहलानिया रेलवे स्टेशन भोपाल MP के रूप में हुई। कल्प्रिट्स को पकड़ने के लिए तेजतर्रार SI सोहन लाल के नेतृत्व में एक टीम को भोपाल भेजा गया। पुलिस को अपराधी के 2 ठिकानों के बारे में पता चला। सर्वेलेंस और स्थानीय मुखबिरों की मदद से सस्पेक्ट के मकान पर छापेमारी की, लेकिन पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी क्योंकि पहले ही मोहम्मद अली उर्फ मोहम्मद साबिर हुसैन के घर को स्थानीय अथॉरिटी ने डिमोलिश्ड कर दिया था। आरोपी व्यक्तियों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्लूज प्राप्त करने के बाद टीम वापस आ गई। जांच टीम को IRCTC के पैसेंजर्स डेटा से पता चला कि 26 जून को 5 सस्पेक्ट ट्रेन से दिल्ली आए थे और 30 जून के लिए अपना रिटर्न टिकट बुक किया था। टेक्निकल सर्वेलेंस से यह कंफर्म हो गया था कि सस्पेक्ट लोगों में से मोहम्मद साबिर वारदात स्थल पर मौजूद था। आरोपी लगातार दिल्ली आते जाते थे। साथ ही IRCTC से डेटा से यह पता चला था कि 1 अगस्त को 5 आरोपी भोपाल से इलाहाबाद ट्रेन नंबर 02129 से यात्रा करेंगे। जांच टीम ने झांसी जंक्शन पर अपना जाल बिछाया और ट्रेन जैसे ही झांसी जंक्शन पर पहुंची, पुलिस ने 52 वर्षीय मोहम्मद अली उर्फ मोहम्मद साबिर हुसैन, 45 वर्षीय मोहम्मद काबिल उर्फ इमरान हुसैन, 45 वर्षीय अनवर अली, 55 वर्षीय शौकत अली जाफरी और 35 वर्षीय मुख्तियार हुसैन को खोजकर पकड़ लिया और ट्रेन से ही दिल्ली लेकर आ गए। आरोपियों के पास से सोने की 3 चेन, 8 मोबाइल फोन और 5 CBI के नकली पहचान पत्र बरामद हुए हैं।
आरोपियों पर अलग अलग राज्यों में 25 केस दर्ज हैं। 10 मामलों में अदालत ने इन्हें भगोड़ा घोषित कर चुकी है। इनसे चोरी और धोखाधड़ी का सामान खरीदने वाला आरोपी मजलूम अली अभी भी फरार है। सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। आरोपी व्यक्तियों ने अपनी TIP करवाने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने आगे की जांच और बरामदगी के लिए सभी आरोपियों को 3 दिन KPC रिमांड पर लिया है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी व्यक्ति ईरानी मूल के हैं और लगभग कई दशक पहले उनके पूर्वज भारत आए थे। वर्तमान में सभी आरोपी ईरानी मोहल्लो रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं। शुरुआत में ये लोग जेबतराशी करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने ईरानी गैंग बना लिया। इन्होंने अपराध करने के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया। पहले वे किसी भी राज्य में प्रसिद्ध आभूषण बाजार की पहचान करते हैं, ज्वेलर्स के स्टाफ और सोना सप्लाई करने वाले के बारे में जानकारी करते, और फिर वे CBI या पुलिस अधिकारी बनकर अवैध विदेशी करेंसी, हथियार, नशीले पदार्थ रखने के नाम पर पीड़ित से उनकी तलाशी के लिए कहते हैं। अपने गिरोह में वे पुलिसकर्मियों की तरह दिखने के लिए लंबे और मजबूत कद काठी के लोगों को रखते थे। इसके लिए सभी आरोपी जिम जाते थे और अच्छा प्रोटीन लेते थे। एस ग्रेटर देन वो अलग अलग राज्यों का दौरा कर अपना टारगेट फिक्स करते थे। ये लोग 25 से ज्यादा वारदात को अंजाम दे चुके हैं और 10 मामलों में कोर्ट इन्हें भगोड़ा घोषित कर चुका है। 45 वर्षीय मोहम्मद काबली उर्फ इमरान हुसैन पुत्र मजूर अली संजय नगर कॉलोनी रायसेन भोपाल MP का रहने वाला है। यह ईरानी वंश का है। यह आरोपी मोहम्मद अली उर्फ हुसैन का साला है। पहले यह रेलवे स्टेशनों पर छोटी मोटी चोरी और पिक पॉकेटिंग करता था और उसके बाद ईरानी गिरोह का सदस्य बन गया। यह गैंग लीडर अनवर अली का दाहिना हाथ है। यह पीड़ित को टारगेट करने के लिए एक मशाल लेकर चलता है और अपराध के समय छोटे सरगना की भूमिका निभाता है। यह टारगेट की तलाश करता है और बड़े ही शातिराना अंदाज में बैग से सामान, पैसे और आभूषण चुरा लेता है। इसके पास से फर्जी CBI कार्ड मिला है। 35 वर्षीय मुख्तियार हुसैन उर्फ शेख मुख्तार उमर पुत्र आसामी हुसैन रायसेन भोपाल MP का रहने वाला है। यह भी ईरानी वंश का है। यह आरोपी अनवर अली और मोहम्मद अली उर्फ साबिर हुसैन का भतीजा है। पहले यह रेलवे स्टेशनों से छोटी छोटी चोरी करता था, उसके बाद ईरानी गैंग का सदस्य बन गया। यह इस गिरोह का सबसे छोटा सदस्य है। यह अपराध के समय कनिष्ठ अधिकारी की भूमिका निभाता है और सबसे पहले यह टारगेट को बुलाता है और अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ CBI अधिकारी के रूप में परिचय कराता है। यह एक अच्छा प्रवक्ता है और टारगेट को बातों में फंसा लेता है। इसके पास से भी नकली CBI कार्ड मिला है। 55 वर्षीय शौकत अली जाफरी पुत्र मंसूर अली जाफरी संजय नगर कॉलोनी न्यू जेल रोड करोड भोपाल MP का रहने वाला है। यह भी ईरानी का वंश है। यह आरोपी अनवर अली और मोहम्मद अली उर्फ साबिर हुसैन का चचेरा भाई है। पहले यह रेलवे स्टेशनों पर पिक पॉकेटिंग करता था, उसके बाद ईरानी गैंग का सदस्य बन गया। यह गैंग लीडर अनवर अली का दाहिना हाथ है। यह पीड़ित को टारगेट करने के लिए एक मशाल लेकर चलता है और अपराध के समय कनिष्ठ अधिकारी की भूमिका निभाता है। यह भी एक अच्छा प्रवक्ता है और उसके पास भी नकली CBI कार्ड बरामद हुआ है। 52 वर्षीय मोहम्मद अली उर्फ मोहम्मद साबिर हुसैन पुत्र महबूब अली उर्फ मिसिकिन JJ कॉलोनी ईरानी मोहल्ला रेलवे स्टेशन के पास भोपाल MP का रहने वाला है। यह भी ईरानी वंश का है। यह आरोपी अनवर अली का सगा भाई है। पहले यह रेलवे स्टेशनों पर पिक पॉकेटिंग करता था और उसके बाद इसने अपना ईरानी गैंग बना लिया। यह ईरानी गिरोह का मास्टर माइंड और गैंग लीडर है और अपराध के समय वरिष्ठ अधिकारी की भूमिका निभाता है। इसका शरीर मजबूत है और इसके पास भी नकली CBI कार्ड मिला है। 45 वर्षीय अनवर अली पुत्र फतेह उल्ला निवासी संजय नगर कॉलोनी गिला रोड रायसेन भोपाल MP का रहने वाला है। यह भी ईरानी का वंश है। यह आरोपी मोहम्मद अली उर्फ हुसैन का सगा भाई है। पहले इसने रेलवे स्टेशनों पर हॉकर के रूप में काम किया, उसके बाद ईरानी गिरोह का सदस्य बन गया। यह पीड़ित को टारगेट करने के लिए एक मशाल लेकर चलता है और अपराध के समय कनिष्ठ अधिकारी की भूमिका निभाता है। उसके पास मजबूत मांसल शरीर है, इसलिए वो पीड़ित को रोकने और डराने के लिए अपनी भूमिका निभाता है। यह भी नकली CBI कार्ड रखता है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।